हेलो फ्रेंड्स, आज हम साबूदाने का एक बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने वाले हैं, जिससे अगर आप ब्रेस्ट फीड देती हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे का टमी फुल नहीं हो रहा, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। इसको अगर कंटिन्यू आप 5 डेज लेंगी तो इससे आपके बच्चे को अच्छे तरीके से प्रॉपर मिल्क मिलेगा और वो अच्छे से खेल पाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और 5 डे कंटिन्यू ज़रूर करिए, इससे आपके बच्चे को प्रॉपर मिल्क मिल पाएगा। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 ग्लास दूध, 1 ग्लास पानी, 2 चम्मच साबूदाने और 1 चम्मच चीनी। और हमें साबूदाने को पीस के इसका पाउडर तैयार करना है। और 2 तरीके के साबूदाने मिलते हैं। मैंने मोटे दाने वाले साबूदाने को यूज़ किया है। आप कोई सा भी साबूदाने यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। ये डिश आप आफ्टर 6 मंथ के बेबी को फूड के रूप में भी दे सकते हैं, तो ये उसके लिए हेल्दी और उसके टमी के लिए ठंडा भी रहता है ये डिश। तो आप इस आफ्टर 6 मंथ बेबी को ये ज़रूर दें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए ये बहुत ही लाभदायक रेसिपी है। इसका हम ऐसे पाउडर बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम दूध मिलाएंगे। दूध में 1/2 ग्लास दूध में 1 ग्लास पानी डाल देंगे और जब तक ये बॉईल होगा हम तेज फ्लेम में दूध को बॉईल कर लेंगे। दूध और पानी दोनों मिक्स है इसमें। फ्लेम को कम कर देंगे लो फ्लेम पे करके साबुदाने का पेस्ट जो हमने पाउडर जो बनाया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। एक हाथ से चलाते रहें, एक हाथ से पाउडर डालते रहें। अगर हम ये नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपकने लगेगा। हम वेट करेंगे जब तक ये हाफ होगा, तब तक हमें कंटिन्यू चलाना है, इससे ये अच्छा बनेगा, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता इससे। अभी ये ऊपर आ रहा है तो हम फ्लेम लो कर देंगे। तरीके का ये ना, इसमें ना गांठ नहीं बननी चाहिए। अभी ये बनने लगा है, इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर हम और चलाएंगे इसको।
दो से तीन मिनट हमें ऐसे इसको चलाते रहना है। ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, साबुदाना का जो पाउडर है वो सॉफ्ट हो जाना चाहिए। हम ऐसे करके देखते रहेंगे, इसमें दाने दाने दिखाई देने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये होने लगा है। फिर मिला देंगे 1 स्पून शुगर है, इसको मिला के इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। कभी भी शुगर को गैस बंद करने के बाद ही इसमें मिक्स करें। ये साबुदाने का मिक्सचर बिल्कुल रेडी, इसको पी लें। इससे आपको दूध बहुत अच्छे से होने लगेगा और बच्चे का टमी फुल होगा और बच्चा कम रोएगा। अब ये साबुदाने के मिक्सचर को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको आप पी लें, बिल्कुल रेडी है।